हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले भी बहुत से प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? समकालीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकालीन। ठीक, अगला हमारा, पूस की रात कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आपको पता है इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रमुख रचना है कामायनी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना। ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। ठीक, आगे का पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि दिगंबर में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर पर्यायवाची आ जाएगा तो वहां पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीय समास होगा। दिगंबर किसकी पर्यायवाची? तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है जैन धर्म के बारे में कि इसमें क्या था, श्वेत वस्त्र को धारण करने वालों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। और दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वालों को क्या कहा जाता था? दिगंबर। तो होया नहीं है, पर्यायवाची हुआ ना कि जो लोग दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं उसे क्या कहते थे? दिगंबर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे हुआ हमारा बहुव्रीय सही हुआ। इसके साथ साथ अगर हम लोग द्विग की बात करें तो इसमें क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द्विग समास। बहुव्रीय समास में भी जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनको काउंट करते हैं। इसके अलावा पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद अप्रधान हो, मतलब दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीही समास। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कर्मधारय समास की, तो जिस भी चीज में आपको विशेषण विशेष मिले वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। अब कैसा है विशेषण विशेष? जैसे नीलकंठ आपने सुना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि नीलकंठ तो बहुव्रीय समास है मैम, क्योंकि यह शिव जी की पर्यायवाची है। बिल्कुल सही बात है, नीलकंठ बहुव्रीय समास है। लेकिन इसके साथ साथ ये बताइए, कंठ मतलब क्या होता है? गला, और नील मतलब नीला। तो कंठ की विशेषता क्या है? कंठ नीला है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? कंठ की विशेषता बता रहा है कौन? नीला। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, तो नीलकंठ की बात करें, पीताम्बर हो गया, ये सब बहुव्रीय और कर्मधारय दोनों हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम क्या टिक करेंगे? बहुव्रीय टिक करेंगे। फिर आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मतलब सीधा सा फंडा है कि किसी न किसी कारक से जुड़े होंगे। जैसे घुड़सवार की बात करें, घोड़े पर सवार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें का और पर क्या है? कारक है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द युग्म का कौन सा अर्थ सही है? जलज, जलद। ठीक, इसमें हमारा सही क्या होगा? जलज मतलब होता है कमल और जलद मतलब क्या होता है? बादल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, मतलब ऐसा अभिन्नता, आपको किसी को एग्जाम्पल देना, आपने बोला कि आप शेर जैसे हो, मतलब बहुत बहादुर हो, तो इसमें क्या किया? आदमी को सीधे बोल दिया कि आप शेर हो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार। मतलब उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं है, सीधे बोल दिया गया। ठीक, जैसे सीता जी की आंखें कैसी हैं? कमल की तरह है। सीता जी की आंख कमल है, तो क्या हो गया? अगर कमल की तरह बोला तो उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन सीधे कमल बोल दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2007 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो अमरकांत को। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ष 2007 या 15 का आपसे पूछेगा, नहीं, आपसे जब भी पूछेगा तो 2018 का साहित्य अकादमी अवार्ड पूछेगा। तो 2018 का साहित्य अकादमी अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है 5 दिसंबर को कि कुल 24 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? 24 लोगों को। परेशान मत होइएगा, आपको 24 नहीं याद करना, आपको क्या याद करना है कि हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, या फिर स्टेट वाइज, जैसे जिस भी स्टेट की भाषा हो तो वो लोग अपने भाषा से रिलेटेड किसे दिया गया है उसको याद कर लें। हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें दिया गया है चित्रा मुग्धल को। किसे दिया गया है? चित्रा मुग्धल को। किस लिए दिया गया है? उनका उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। उपन्यास का नाम क्या है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक, अगला हमारा, अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। रस और अस्थाई भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रसों की संख्या कितनी होती है? 9।
लेकिन भरत मुनि का कहना है कि रसों की संख्या कितना होता है, 8। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, तो बात करते हैं श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, रति। बीभत्स का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। अब इसमें जो क्रोध दिया है यह रौद्र रस का है, क्रोध किसका है, रौद्र रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, भयानक का अस्थायी भाव क्या होगा, हमारा भय होगा। ठीक, अच्छा नौवां रस की संज्ञा किसे दी गई है, तो नौवां रस का संज्ञा दिया गया है शांत रस को, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, संधि मैंने आपको पढ़ाया है तो याद कर लीजिए, पहले कुछ ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक, देखिए अगर ए ओ अर इन तीनों में से कोई भी, मान लीजिए कोई भी वर्ड है और इसके मिडिल की बात कर रही हूं मैं, ठीक, मिडिल में ए ओ अर में से कुछ भी है तो वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यण संधि का ट्रिक्स एकदम ईजी है, य व र याद कर लीजिए, इनके साथ कोई भी आधा वर्ड आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, यण संधि। अयादि संधि एकदम इजी है, नयन नायक पावक ये सब क्या है, अयादि संधि है। मात्रालेस। दीर्घ संधि की बात करें तो बड़ा मात्रा हो, जैसे विद्यालय, विद्यालय में कौन सही है, विद्या, बड़े बड़ा का मात्रा है ना, तो हो गया। फिर महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र, महेंद्र होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा बचता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का ट्रिक है आपको अय और औ मिलेगा, क्या मिलेगा, अय और औ। ठीक, तो इसमें फिलहाल सूर्योदय में हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। खेलन में को काको गुणसैया, इसमें अनुवाद इसका क्या सही है, कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। गो शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, गाय नहीं है, बाकी अगर हम लोग बात करें हाथी पृथ्वी और किरण, ये सभी क्या है, गो शब्द के अर्थ हैं। पावक का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है, पावक का समानार्थी शब्द क्या होगा, अग्नि होगा। ठीक है, अगला हमारा कामायनी किस कवि की रचना है, तो सबको पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि छायावाद युगीन कवि हैं। आविष्कार में कौन सी संधि है, तो आविष्कार में है हमारा विसर्ग संधि। आंखों का काजल चुराना सही अर्थ क्या है, तो सफाई के साथ चोरी करना। आंखों का काजल चुराने का मतलब क्या है, सफाई के साथ चोरी करना। चौराहा में कौन सा समास है, मैंने आपको बताया था कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, और जब ये दोनों अप्रधान हो के कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो द्विगु समास में इसमें हमारा चौराहा में क्या होगा, द्विगु समास होगा। चौराहा, पंचवटी, नवग्रह, दोपहर, ये सब क्या है, द्विगु समास। अब अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव मैंने नहीं बताया, इसमें याद कर लीजिए उपसर्ग होगा, यथाशक्ति, ठीक, प्रतिदिन, या फिर धीरे धीरे, कभी कभी, ये सब किसमें आएंगे, अव्ययी भाव में आएंगे। बसता हमारा द्वंद्व समास, सबको पता है डैश के साथ जुड़ा होगा, जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे तो और अथवा या यही सब मिलेगा, जैसे भाई और बहन, धर्मा धर्म, लाभा लाभ। ठीक, तो ये सब क्या हमारे द्वंद्व समास हैं। निम्न शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कीजिए, तो सही शब्द हमारा क्या होगा, अभीष्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब किया है, किस भाषा में किया है, तो 1540 में किया है, अवधी भाषा में किया है। अब आप लोग सोच रहे हैं मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़े, देखिए अभी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग किया था, 30 मिनट का वीडियो बना था और उसमें आवाज नहीं आई। ठीक, अब गला ज्यादा सही काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ही पढ़ लीजिए, मैटर मैं पूरा आपको दे रही हूँ। झरना किसकी रचना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि झरना, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्न चार शब्दों में से जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करिए, इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, दौहित्र। कौन कौन से हैं, जाया, भार्या, कलत्र, ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं। कौन सा एक शब्द तत्सम है, तो तत्सम क्या है, तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी, तो तत्सम क्या हो जाएगा, हमारा नक्षत्र। तद्भव क्या है, तो आपको पता है मौत ही तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होगा, मृत्यु। कुटिल शब्द का सही विलोम क्या है, कुटिल का क्या होता है, कुटिल का सही विलोम होगा सरल, कूटनीतिज्ञ क्या होगा, सरल। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इनमें विरोधाभास अलंकार है, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे पढ़ सकते हैं।
भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 343 से 351 में, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण मैंने आपको बताया था कि 345, इसके अलावा य, र, ल, व, ह और स्वर वर्ण, ये सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? 5वें पे आता है ना, प, फ, ब, भ, म, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है जो अघोष कौन से होंगे, तो एक और दो जो होंगे पहले और दूसरे नंबर पे, वो क्या होंगे हमारे? अघोष। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। सही शब्द का चयन करना है। तो कुमुदिनी का सही कौन सा लिखा गया इसमें? कुमुदिनी इसमें लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, उन्नति ऑप्शन नंबर ए, ठीक। दुर्गम की बात करें तो दुर्गम सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए है सही। मित्रता का विलोम क्या होगा? मित्रता का विलोम होता है शत्रुता। औपचारिकता का विलोम होगा हमारा अनौपचारिकता। ग्रहण करने का विलोम क्या होगा? त्याग। ग्रहण का क्या होता है? त्याग। अब हमारा पर्यायवाची शब्द चुनिए। शारदा का पर्यायवाची क्या होगा? वागेश्वरी। दक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? किसी चीज में दक्ष होना अथवा कुशल होना, तो हमारा दक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कुशल। प्रसिद्ध मतलब विख्यात, प्रसिद्ध होना या विख्यात होना। सुनहरी की अगर हम लोग बात करें तो सुनहरी का क्या होगा? स्वर्णिम। आगे जो हमारे क्वेश्चन है इसमें हमें संधि बताना है, ठीक। अब आप लोग फटाफट बताइए क्योंकि मैंने आपको आगे ही संधि बता दिया है। बताइए यहाँ पे क्या दिया है? प्रत्येक दिया है, तो इसका संधि विच्छेद तो पहले क्या होगा हमारा? प्रतिधन एक होगा, और इसमें कौन सी संधि होगी? गुण। ए ओ अर, रट लीजिए, ए ओ अर बीच में है, तो कौन सी संधि होगी? गुण। ग्रीस की बात करें, आ गया ना दीर्घ, बड़े ई आया मतलब दीर्घ संधि होगी। और अगर हम लोग बात करें इसके संधि विच्छेद की तो क्या होगा? गिरिधन ईस। नायक फटाक से अयादि संधि होगा। वीर पुरुष इसमें तत्पुरुष समास है। रसोई घर इसमें भी तत्पुरुष समास है। नी धड़क में क्या है? अव्ययी भाव समास। नी क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो उनका एक पुत्र है, हमारा सही आंसर क्या होगा? उनका एक पुत्र है। मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पर नहीं, मेरे ऊपर कृपा करो, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह एक महिला विद्वान थी। महिला विद्वान को क्या कहा जाता है? विदुषी कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वह एक विदुषी महिला थी। केला किस भाषा का शब्द है? तो केला देशज है। दीदार की बात करें तो यह फारसी भाषा का शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें से तत्सम कौन सा है? तो इसमें से तत्सम है हमारा चित्कार। बाकी कीचड़, पतझड़ और भाप क्या? तद्भव है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।